हेलो दोस्तों, मैं राजीव पांडे भूमि 99 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गूगल पे क्या होता है और इसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि गूगल पे क्या होता है और इसका उपयोग किस तरह से होता है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए वीडियो लेके आता हूँ, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, गूगल पे गूगल द्वारा ही लॉन्च किया गया एक ऐप है जो कि डिजिटल पेमेंट सर्विस पर आधारित होता है। यह UPI पर आधारित होता है। इसके जरिए हम विदाउट अपनी आइडेंटिटी बताए बिना ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं और उसे रिसीव भी कर सकते हैं। इसमें हाई सिक्योरिटी रहती है क्योंकि ये गूगल का ही एक अपना प्रोडक्ट है। ये इंडिया में ही बनाया गया है और इस केवल इंडिया के लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसकी जो शुरुआत है वह 19 सितंबर 2017 को जो है अरुण जेटली के द्वारा की गई थी। ये अलग अलग बैंकों से लिंक है, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और SBI पर आधारित बैंकों पे से लिंक होता है। इसमें आप सबसे खासियत बात यह है कि हम अपनी विदाउट आइडेंटिटी बताए बिना ही इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि हमें कोई भी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर किसी भी ID प्रूफ को नहीं देना पड़ता है। इसमें हम जो भी अपने बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस नंबर के द्वारा ही हम इसमें गूगल पे में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इसमें केवल आपको सिर्फ उस नंबर पे OTP डालना होता है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आता है। उस OTP के जरिए आप गूगल पे से रजिस्टर्ड हो जाते हैं और किसी को भी पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें वैलेट की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि इसमें वैलेट की सुविधा ना होने से आपका जो पैसा है वह सीधे बैंक अकाउंट में रहता है, जो कि हाई सिक्योरिटी में रहता है। जबकि अदर पे सर्विसेज में जो है आपको वैलेट की सुविधा मिलती है, वहाँ पर आपका पैसा रहता है दोस्तों। तो गूगल पे के द्वारा हम किसी को भी पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी के बताए बिना। यह सबसे खास बात इसमें दिया गया है। इसमें होम पेज पर इसके जो है टैप मोड कैश मोड का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसके जरिए आप वहाँ से किसी को भी पेमेंट को रिसीव और डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट अपनी आइडेंटिटी बताए बिना ही दोस्तों। तो इस तरह से गूगल पे है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।